गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? नैंड गेट और नॉर गेट। और लास्ट टाइम बोला था कि इन दोनों को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट्स। तो आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो क्या है? टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? यूनिवर्सल गेट्स आर द लॉजिक गेट्स दैट आर कैपेबल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एनी बुलियन फंक्शन विदाउट रिक्वायरिंग एनी अदर टाइप ऑफ गेट्स। मतलब क्या है कि यूनिवर्सल गेट्स वो गेट्स होते हैं जो सिर्फ उन्हीं टाइप के गेट्स को यूज करके हम कोई भी बुलियन फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि नैंड और नोर हमारे क्या हैं? यूनिवर्सल गेट्स हैं। तो हम सिर्फ नैंड गेट या फिर सिर्फ नोर गेट यूज करके हम कोई भी बुलियन फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई भी, या फिर हम सारे जो भी हमारे बेसिक गेट्स हैं। बेसिक गेट्स क्या होते हैं हमारे? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। तो ये जो बेसिक गेट्स हैं इन तीनों को भी हम यूनिवर्सल गेट यूज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि नैंड एज यूनिवर्सल गेट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है प्रूफ करो कि नैंड यूनिवर्सल गेट है या फिर प्रूफ करो कि नॉर यूनिवर्सल गेट है। तो इसमें हमें क्या करना है? नैंड गेट यूज करके हम सारे गेट्स बनाने हैं। एंड गेट बनाना है, और गेट बनाना है, नॉट, नैंड, नॉर, एक्स और एक्स नॉर, ये जितने भी गेट हैं ये हमें किसी या फिर सिर्फ हमें नैंड गेट या फिर सिर्फ हमें नॉर गेट यूज करके बनाना है। तो ये होगी हमारी डेफिनेशन, नैंड गेट कॉमन नॉर गेट आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स। तो सबसे पहले देखते हैं नैंड गेट। तो नैंड गेट क्या सिंबल था? नैंड गेट क्या था? एंड फॉलोड बाय नॉट। ये बबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉट गेट को। तो दो इनपुट हैं ए बी और बाई क्या मान लिया ए डॉट बी बार। ठीक है, ए और बी दो इनपुट हैं, बाई आउटपुट है। नैंड गेट क्या था? इनपुट विल बी, इनपुट क्या क्या कंडीशन होगी? 0 1 1 0 1 1, इनपुट की पॉसिबल प्रोसेसेस ये होंगे। तो एंड गेट में क्या होता है? एंड गेट में अगर दोनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट हाई होगा, लेकिन नैंड में क्या हो जाएगा? उल्टा, अगर एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट क्या हो जाएगा? हाई। अगर दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या होगा? जीरो। ये हमारा नैंड गेट था। तो अब हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं सारे गेट्स को। तो सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करेंगे नॉट गेट, नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। तो नॉट गेट क्या है हमारा? सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट है। इसमें करता क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट द इनपुट, जो भी इनपुट है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो इसको इम्प्लीमेंट करना है हमने नैंड गेट यूज करके। तो ये हमारा नैंड गेट है। अगर इसके दोनों इनपुट को सॉर्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? नॉट गेट। यहाँ पे क्या है? ए, यहाँ पे क्या है? ए। तो आउटपुट क्या होगा? ए डॉट ए बार। ए डॉट ए क्या होता है? सेम ए, ए बार। तो ये क्या बन गया हमारा? नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। नेक्स्ट जो गेट है वो देखते हैं क्या है? एंड गेट। एंड गेट क्या है? तो नैंड गेट से हमें बनाना है एंड गेट। तो नैंड गेट के आगे अगर एक और नॉट गेट लगा दें तो क्या बन जाएगा? एंड गेट। तो कैसे बनाएंगे? ये हमारा नैंड गेट है, इसका आउटपुट मान लिया एक्स है, इसके आगे एक नॉट गेट लगाना है। और नॉट गेट भी किससे बनेगा? नैंड गेट से। कैसे बनेगा? दोनों इनपुट को क्या कर देंगे? शॉर्ट। तो एक्स बराबर यहां से क्या आया? ए डॉट बी बार। और यहाँ पे बाई बराबर क्या होगा? एक्स बार। और एक्स क्या है? ए डॉट बी बार। ये क्या जाएगा? ए बी। अगर वेरिएबल ए का टू टाइम्स कॉम्प्लीमेंट लें तो हमें क्या मिलेगा? ए। तो ये हमारा इम्प्लीमेंट हो गया एंड गेट। और इसका आउटपुट क्या होता है? ए बी, एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। कितने गेट चाहिए? दो गेट चाहिए। यहाँ पे कितने गेट चाहिए थे? एक गेट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है और गेट। और गेट इंप्लीमेंट करना है यूजिंग नैंड गेट। ये और गेट है,
वाई इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अब समझना, उल्टा चलते हैं, ए प्लस बी का टू टाइम कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, ए प्लस अगर किसी भी वेरिएबल का टू टाइम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या मिलेगा, सेम वेरिएबल मिलेगा। तो अब क्या हो जाएगा, डी मॉर्गन्स लगाते हैं, तो ए बार डॉट बी बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल हमारे पास इनपुट हैं ए और बी, उनको नॉट गेट से पास करेंगे, क्या मिल जाएगा हमें, ए बार और बी बार। उसके बाद जो आउटपुट है उसको क्या करेंगे, नॉट गेट से पास करेंगे। तो ये हमारा ए है, तो ये हमें क्या मिलेगा, ए बार। ये अगर बी है तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, बी बार। ये हो गया, अब दोनों को पास कर देंगे हम किससे, नॉट गेट, नैंड गेट से। ये हो गया, यहाँ पे ए बार, यहाँ पे बी बार। आपको प्रूफ भी करना है एग्जाम में, पूरी क्वेश्चन सॉल्व भी करनी है। तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, बाई इक्वल टू ए बार डॉट बी बार होल बार। ए बार डॉट बी बार क्या होता है, डी मॉर्गन्स थ्योरम से ए प्लस बी होल बार क्या मिलेगा, ए प्लस बी। ये मिल गया हमें और गेट। अगर नॉर बनाना है तो क्या कर देंगे, और के बाद क्या लगा देंगे हम, नॉट गेट। और नॉट गेट कैसे बनाएंगे, ये हमारा दोनों इनपुट को शॉर्ट करके। नेक्स्ट इंप्लीमेंट करते हैं नॉर गेट। नॉर गेट क्या है, और फॉलोड बाई नॉट गेट, ए बी बाई इक्वल टू क्या मिलेगा, ए प्लस ई बार। तो ये तो सिंपली है, हिंट तो मिल गया। ए हो गया, ये बी हो गया। ये नैंड गेट काम में आए हैं, किस लिए यूज में किए हैं, इम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट द इनपुट, ए है तो ए बार और बी बार रिसीव करने के लिए, ए बार और बी बार। अब इसके बाद जो आउटपुट आया उसको हमने पास किया किससे, नैंड गेट से, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको अगर एक बार और नॉट गेट से पास कर दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, वाई इक्वल टू ए प्लस बी बार। यहाँ पे आउटपुट क्या था, ए प्लस बी एक्स मान लें उसको। तो कितने गेट चाहिए, एक दो तीन चार। नॉर गेट बनाना है यूजिंग नैंड गेट, तो हमें कितने नैंड गेट चाहिए, वन टू थ्री फोर। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि नॉट गेट बनाना है नैंड गेट से तो कितने नैंड गेट चाहिए, एक। अगर एंड गेट बनाना है नैंड गेट से तो कितने गेट चाहिए, दो। इस तरीके से नेक्स्ट है नैंड गेट। ये नैंड गेट ये है, ए बी वाई इक्वल टू ए डॉट बी बार। नैंड गेट दिया हुआ है और नैंड गेट से नैंड गेट बनाना है तो कितने गेट चाहिए, वही नैंड गेट, एक ही गेट दिया हुआ ही हमें, एक गेट काफी है, ए वाई इक्वल टू ए डॉट बी बार। एक गेट चाहिए, कितने गेट चाहिए, नैंड गेट से नैंड गेट बनाने के लिए एक गेट चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। एक्स और गेट, एक्स और गेट क्या होता है, एक्स और गेट में टू इनपुट में अवेलेबल होता है, एक्स और गेट, एक्स गेट इज अवेलेबल विद टू इनपुट्स, एक्स बाय इक्वल टू ए एक्स और बी। और क्या एक्सप्रेशन आता है, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। तो हमें अब हमें बनाना है एक्स और गेट यूजिंग नैंड गेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्स और एक्स नॉर गेट। पूछ लेगा एग्जाम में एक्स नॉर बनाइए या एक्स नॉर बनाइए यूजिंग नैंड गेट या फिर यूजिंग नॉर गेट, तो कैसे बनेगा देखते हैं। सॉरी, और ये जो आउटपुट है इसको पास कर दिया हमने नैंड गेट से, ए मान लिया, ये बी मान लिया, वाई वाई क्या आना चाहिए हमारा, ए बार बी प्लस ए बी बार। अभी चेक करना पड़ेगा एग्जाम में, प्रूफ भी करना पड़ेगा, ये नहीं कि हमने ये गेट बना दिया फुल मार्क्स मिल जाएंगे, जब तक प्रूफ नहीं करेंगे मार्क्स फुल मार्क्स मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। ये मान लिया हमने के, ये मान लिया एल, ये मान लिया एम। तो देखिए के बराबर क्या होगा,
ए डॉट बी बार, क्वेश्चन नंबर वन। एल क्या आएगा, ए डॉट के बार, ए की वैल्यू पुट, के की वैल्यू पुट कर देंगे, ए ए डॉट बी बार होल बार। तो इसको ओपन कर लेते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम से क्या ले सकते हैं, ए डॉट बी बार क्या ले सकते हैं हम, ए बार प्लस बी बार होल बार। तो सिंप्लीफाई करते हैं, ए डॉट ए बार क्या होता है, जीरो। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए डॉट बी बार होल बार। क्वेश्चन नंबर टू, सिमिलरली हमें क्या मिल जाएगा, एम एम मिल जाएगा। एम क्या मिलेगा देखते हैं, ए सॉरी बी डॉट के बार, बी सिंपल कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, बी बी डॉट ए बार, जो एम मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये क्वेश्चन नंबर तीन। और वाई जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एल डॉट एम बार। तो इक्वेशन नंबर टू और थ्री से वाई एल और एम की वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन नंबर में, इस इक्वेशन में। तो क्या मिलेगा, ए डॉट बी बार होल बार इंटू बी डॉट ए बार वह ये और होल बार। तो इसको ये डी मॉर्गन थ्योरम से, ये अगर इसको के माने इसको सॉरी इसको अगर ई माने और इसको एफ माने तो क्या हो जाएगा, ई डॉट एफ होल बार क्या हो जाएगा, ई बार प्लस एफ बार, ए डॉट बी बार होल बार प्लस बी डॉट ई बार होल बार। तो इसको क्या ले सकते हैं अपन, हो जाएगा हमारा क्या, ए बार सॉरी हाँ ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार, ये क्या होता है, ए एक्स और बी तो बाई। तो देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या है, सेम। तो ये जो बना है ये क्या बना है हमारा, एक्स और गेट बना है यूजिंग नैंड गेट। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या बनाना है हमें, एक्स नॉर गेट। तो देखो एक्स नॉर गेट क्या होता है, ये एक्स नॉर गेट, इसके आगे अगर नॉट गेट लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक्स नॉर गेट ए डॉट बी। ध्यान रखना ये ए डॉट बी अलग है और ए एक्स नॉर बी ये अलग है, गोल से सर्कल का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या मिलेगा, ए बार बी बार प्लस ए बी। देखो हिंट तो मिल ही गया, एक्स और गेट के बाद, एक्स और गेट के बाद अगर हम नॉट गेट लगा दें तो क्या मिल जाएगा, एक्स नॉट गेट। तो मतलब इस गेट के आगे अगर हम यहाँ पे एक गेट और ऐड कर दें एज ए नॉट गेट तो क्या बन जाएगा, एक्स नॉट गेट बन जाएगा। देखते हैं, ये ए है ये बी है ये एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ तक तो हमारा ये क्या बन गया, एक्स और गेट। इसके बाद एक नॉट गेट के थ्रू पास कर देते हैं इसको, नॉट गेट किससे बनाया है, नैंड गेट से। तो ये क्या मिलेगा हमें, बाई बाई इक्वल टू एक्स बार, ये मिला। तो बाई इक्वल टू ए बार डॉट बी एक्स था ये, ये भी जो लिखा ये क्या है, एक्स, और उसको कॉम्प्लीमेंट करने तो हमें क्या मिलेगा, वाई। तो डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करते हैं यहाँ पे हम, ए बार डॉट बी होल बार इंटू ए डॉट बी बार होल बार। कैसे लिखा ये, अगर के प्लस एम बार होता तो क्या लिखते हैं, के बार डॉट एम बार। नहीं तो क्लियर, इसको लिखते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए डबल बार प्लस बी इंटू ए बार प्लस, ठीक हो जाएगा, ए प्लस बी बार ए बार प्लस बी। तो इसको ओपन कर सकते हैं, ए डॉट ए बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस बी बी बार, ए डॉट ए बार जीरो, बी डॉट बी बार जीरो,
क्या मिला, ए बार बी बार प्लस ए बी, ये क्या होता है ए एक्स नॉर बी। देखिए ये और ये दोनों बराबर हैं, तो ये क्या है बन गया हमारा एक्स नॉर गेट यूजिंग नॉर गेट, सॉरी नैंड गेट। तो ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा, अगर हमें नॉट गेट बनाना है, ये हम बना रहे हैं नैंड गेट से, नॉट गेट बनाना है तो कितने नैंड गेट चाहिए, ए, ठीक है। यहाँ पर ये देखा था, ये देखिए, तो अगर हमें नॉट गेट बनाना है यूजिंग नैंड गेट तो कितने गेट चाहिए, वन, एंड गेट बनाना तो कितने गेट चाहिए, टू, वन टू, और गेट बनाना है तो वन टू थ्री, नॉर गेट बनाना तो क्या है, नॉर क्या है इसके आगे एक नॉट गेट लगा देंगे, ये लग गया, कितने गेट चाहिए, एक दो तीन चार गेट चाहिए। नैंड गेट बनाना तो नैंड गेट बनाना तो कितने गेट चाहिए, एक नैंड गेट ही काफ़ी है। एक्स और गेट बनाना है यूजिंग नैंड गेट तो एक दो तीन चार, कितने गेट चाहिए हमें, चार नैंड गेट चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ, ये जो नंबर है ये मिनिमम नंबर है, मैक्सिमम तो कितने भी यूज कर लो, क्योंकि मैक्सिमम अगर ज़्यादा से ज़्यादा गेट यूज करेंगे तो क्या होगा, उनका प्रोपगेशन डिले बढ़ेगा और पावर कंजम्पशन भी बढ़ेगा सिस्टम का, तो हम मिनिमम से मिनिमम गेट यूज करना चाहते हैं। एक्सनोर गेट बनाना है तो कितने गेट चाहिए, वन टू थ्री फोर फाइव। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नॉर एच यूनिवर्सल गेट। थैंक यू।